दोस्त की छत पे गए और उसने कबूतर पाल रखे, और उन्हें देख के आपको भी कबूतर पालने का दिल किया, और फिर आपको कबूतर खरीदने के लिए जाना है। और कहाँ जाना है, कौन सी दुकान जाना है, और कहाँ से लाने हैं, और किस तरह के कबूतर लाने हैं, कि दोस्तों हमेशा पिजन शॉप में जाएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको बताता हूँ। पिजन शॉप पे क्या होता है दोस्तों, जो नए कबूतरबाज होते हैं वो अपने कबूतरों को कबूतरों की दुकान पे बेच के चले जाते हैं सस्ते दामों पे, ठीक है, ये हकीकत है। क्योंकि वो उतना टाइम नहीं देना चाहते हैं कबूतरों को, जब कबूतर बीमार हो जाता है, जब तक कबूतर उड़ता है तो उसे खूब उड़ाते हैं, जब कबूतर बीमार होना शुरू कर देते हैं तो वो उनको क्या करते हैं, सस्ते दामों में कबूतरों की दुकानों पर पिजन शॉप में बेच के चले जाते हैं। ये गलत बात है, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें ठीक करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें उड़ाते हैं, अपने पास रखते हैं, किसी उम्मीद से लाते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो अब ऐसा कर दिया और फिर आप खरीदने जा रहे हैं, जब भी आप जाल में देखें सबसे पहले कबूतर का मुंह खोल के देखना है, क्योंकि दोस्तों उनके मुंह के अंदर दाने हो जाते हैं, अगर वो कबूतर आपको मिल गया तो मरेगा बचेगा नहीं, लास्ट ऑप्शन होता है कबूतर का। पैरों पे दाने देखने हैं, पर आपको देखना है उसकी उखड़े तो नहीं, क्योंकि जब नए कबूतरबाज होते हैं वो गलती से या कोई भी हो वो खाड़ देते हैं, तो उसमें कई बार उनके खून वाले पर भी उखड़ जाते हैं, जिस कारण से वहाँ पे घाव बनने के कारण वहाँ पर आना बंद हो जाता है, फिर कबूतर उड़ना छोड़ देता है। इन चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना अच्छे से। तो आई होप आपको समझ गई होगी मेरी बातें, मैंने जो आपको बताई है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, अच्छा से कबूतर लाइए, कल सरे हो या कल दुमे हो या हरे नपते या हरे हो, ये कबूतर लीजिए, 500 रुपये में आराम से आपको जोड़ा मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक और नई वीडियो में।